हाल ही में ये खबर सामने आई कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने घर के परिसर में गिर गई, जिसके बाद उनके सिर पर चोट लगी थी। इसी के चलते सोशल मीडिया पर उनकी ये दो तस्वीरें काफी शेयर की जा रही है। दावा है कि वो अपनी चोट का नाटक कर रही है। इस यूजर ने ये तस्वीरें ट्वीट करते हुए लिखा कि अंतर पहचाने, दोनों तस्वीरों में चोट के निशान अलग अलग जगहों पर है। बंगाल भाजपा नेता और त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय ने भी ये कॉलाज ट्वीट किया। वहीं कुछ यूजर्स ममता बनर्जी का मजाक उड़ाते हुए भी ये तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। ऑल्ट न्यूज ने इन वायरल तस्वीरों के बारे में छानबीन शुरू की। तृणमूल कांग्रेस ने 14 मार्च को चोटिल ममता बनर्जी की ये तस्वीरें ट्वीट की थी, जिसमें चोट उनके माथे के बीच में लगी है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये तस्वीरें यूज की गई है। आगे कॉलेज में शामिल इस दूसरी तस्वीर के बारे में सर्च करते हुए हमें ये वीडियो मिला। ये राजभवन के सामने हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो है, जिसमें ममता बनर्जी के माथे पर बाईं ओर चोट लगी दिखती है। इस वीडियो में वो अपनी चोट के बारे में भी कहती है। ধরো আমরা একটা গলি দিয়ে বেরোচ্ছি, তো আর ওই গাড়িটা প্রায় 200 স্পিডে যাচ্ছিল। যেতে যেতে মানে আমাকে গাড়িটা প্রায় ড্যাশই করে দিত এবং গাড়ি মানে পুরো মরেই যেতাম ওখানে। ওখানে আমার যে ড্রাইভার ছিল পুলিশের, আমার যে ড্রাইভ করছিল সে, কারণ আমাদের তো হেলিকপ্টার আসার কথা ছিল, আমরা আসেনি ওয়েদারের জন্য, ও সঙ্গে সঙ্গে ব্রেকটা কষে এবং বুদ্ধিমানের কাজ করে ব্রেকটা কষেছে। ব্রেকটা যখন কষেছে আমার পুরো ড্যাশবোর্ডটা এসে মাথায় লেগেছে, আর তখন একটা কনকাশন হয়েছে এবং কিছুটা রক্তও পড়েছে এবং কিছু ফুলেও আছে। এখন যখন সারা মাথাটায় পেন হচ্ছে, তাই নিয়ে আমি কাজ করে গেলাম। এখন কথা হচ্ছে যে इस एक्सीडेंट के बारे में रिपोर्ट्स भी है, जिसमें उनके सिर पर बाईं ओर लगी चोट की जानकारी दी गई है। यानी जनवरी 2024 में ममता बनर्जी के सिर पर लगी चोट की तस्वीर हाल में चोटिल ममता बनर्जी की तस्वीर के साथ शेयर की गई और झूठा दावा चलाया गया कि वो चोटिल होने का नाटक कर रही है।